मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त टैक्स गरीबों की योजनाओं में लगेगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने दी प्रदेशवासियों को रमजान की मुबारकबाद। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। राइए खबरें देखें विस्तार से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मध्य प्रदेश के खाद्यान्न कोटे को संशोधित कर पात्र परिवारों को 75% गेहूं और 25% चावल दिया जाएगा। पहले इसमें 80% गेहूं और 20% चावल निर्धारित था। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू किए जाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ये बात केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज सिवनी में खाद्य सुरक्षा पर्व पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और खाद्यान्न वितरण करते हुए कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर विजय शाह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन जो सभी वर्ग के लिए उपलब्ध हैं, उनके उपभोक्ताओं से टैक्स के रूप में प्राप्त राशि योजनाओं के माध्यम से गरीबों को उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो देश में अधिनियम पारित होने के पूर्व 2008 में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवाना प्रारंभ कर चुकी थी। अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सरलीकरण करते हुए अधिक से अधिक गरीबों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। स्कूल चले हम अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 जुलाई को शाम 6:28 पर दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए शिक्षित मध्य प्रदेश आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश का हर बच्चा स्कूल जाए और अपनी पढ़ाई गुणवत्ता से पूरी करे। गौरतलब है कि अपनी इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल चले हम अभियान में प्रदेश व्यापी दौरे किए हैं। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए समाज के हर वर्ग से अपील भी की है। इसी कड़ी में 1 जुलाई 2014 को दूरदर्शन से प्रदेश की जनता के नाम अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समाज, प्रदेश और देश के विकास के लिए हर बच्चे को स्कूल भेजने की अपील करेंगे। दूरदर्शन केंद्र भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री का ये संदेश संपूर्ण प्रदेश में एक साथ प्रसारित किया जाएगा। उद्यानिकी एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कुसुम मेहदेले ने एग्रो को कुटीर उद्योग से जुड़ी गतिविधियां भी संचालित करने को कहा है। मेहदेले आज पंचानन भवन में एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संचालन मंडल की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में मुख्य सचिव उद्यानिकी डॉक्टर राजेश राजौरा, प्रबंध संचालक राकेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कुसुम मेहदेले ने कहा कि एग्रो को कुटीर उद्योग में आलू के चिप्स, सूखी सब्जियों जैसे उत्पाद की मार्केटिंग करना चाहिए। मेहदेले ने कहा कि बाबई कृषि प्रक्षेत्र को मॉडल फार्म के रूप में शीघ्र विकसित किया जाए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने मुस्लिम भाई बहनों को रमजान की तहे दिल से मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि रमजान का पवित्र माह सभी के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आए। आर्य ने कहा कि पवित्र रमजान माह सभी की भलाई के लिए इबादत करने का है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।